नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जीएस की बेसिक कक्षाओं के साथ उपस्थित होते हैं। आज हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। यह जो हमारी कक्षाएं होती हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, क्योंकि अगर हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे अहम बात होती है कि हम बेसिक जानकारी हमारे पास है कि नहीं, जीएस की सामान्य अध्ययन की बेसिक जानकारी हमारे पास है कि नहीं। और अगर इसी बेसिक जानकारी को हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक से पढ़ लेते हैं, तो हमारे किसी भी कंपटीशन की 80% तैयारी हो जाती है। बाकी 20% तैयारी हम चुनिंदा पुस्तकों को पढ़ने के बाद कर ले। इसी को ध्यानगत रखते हुए यह हमारी कक्षा प्रारंभ की गई है। यह हमारी दूसरी कक्षा है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। आइए बात करते हैं देशांतर। पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण इसका कोई किनारा नहीं है। पृथ्वी की आकृति गोल है, गोल होने के कारण इसका कोई किनारा नहीं है जहां से कोई दूरी नापी जा सके। फिर भी इस पर दो बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निश्चित। ये देखिए, ये जो पृथ्वी है इस पर दो ध्रुव, ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यह निश्चित है। इन बिंदुओं को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। जो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित दो बिंदु हैं, उन्हीं के आधार पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसी कारण इसको हम आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। संदर्भ बिंदु है, आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। जो रेखाएं दोनों ध्रुवों के बीच पूर्व से पश्चिम दिशाओं में खींची जाती है, अर्थात जो रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर वृत्त बनाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। समझिए, ये जो है ये है हमारी विषुवत रेखा। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यही जो कहता है कि जो रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर ऐसे 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 ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात और उन्हें ये वृत्त अक्षांश। और जो रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, इसको तो हमने अक्षांश किया। जो सीधी सीधी होती हैं क्षैतिज स्थिति में, उसको हम अक्षांश कहते हैं। और जो रेखाएं, ये पृथ्वी का ध्रुव है, ये जो रेखाएं ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे खींची जाती है, इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। बात क्लियर हो गया। अक्षांश रेखाएं जो सीधी होती हैं उसको कहते हैं, विषुवत रेखा के समानांतर चलती रहती है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री। और जो रेखाएं लंबी होती हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर होती हैं, ध्रुवों के से मिलकर चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये जो है ये विषुवत रेखा है, या पृथ्वी का एक भाग ये हो गया, दो भाग हो गया, 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे यह विषुवत रेखा है तो इसके ऊपर वाला उत्तर में जो गोलार्ध है उसको हम क्या कहते हैं, गोला, गोले के आधे हिस्से को कह दिए गोलार्ध, गोलाधन अर्ध मतलब आधा गोला, उसको हम गोलार्ध कह दिए। ये विषुवत रेखा हो गई, जो 0 डिग्री इसको कहा जाता है। इसके उत्तर में जो हिस्सा बचा गोले का, पृथ्वी का, उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो इसके नीचे में बचता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली विषुवत रेखा के ऊपर अर्थात उत्तर में जो हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे अर्थात दक्षिण में जो रेखा होता है, जो हिस्सा होता है, उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां समझिए, इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध और इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये है हमारी विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप अक्षांश कहलाती है। जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे, यही जो हमारी कोणीय दूरी होती है, इसी को हम अक्षांश कहते हैं। आगे
विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में नापा जाता है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। ये 23.5 डिग्री मान लीजिए, ये भी 23.5 डिग्री, तो ये अंश में मापा जाता है। एक अंश 60 के बराबर किए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को एक मिनट कहते हैं। एक मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इकाई को एक सेकेंड कहते हैं। मतलब एक मिनट को 60 बराबर भागों में बांट देते हैं, उसी एक को एक सेकेंड कहते हैं। 15 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है। 15 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है। अगर एक डिग्री का अंतर होगा तो 4 मिनट का अंतर माना जाता है। यह प्रश्न पूछता है, स्थिति को समझ लेते हैं। यह जो है उत्तरी ध्रुव, यह क्या है दक्षिणी ध्रुव, ऐसे हम रेखा खींचती है। ये जो रेखा है यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री रेखा जिसे कहते हैं, विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब बात करते हैं, जब हम विषुवत रेखा के उत्तर के तरफ 23.5 डिग्री जाते हैं तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। जब 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो वह आर्कटिक वृत्त होता है। वैसे ही जब विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री तक आते हैं तो उसे मकर रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री हम दक्षिण में आते हैं तो उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये रही बात उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और कर्क रेखा और मकर रेखा की। महत्वपूर्ण अक्षांश, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। इस रेखा से दोनों ध्रुवों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का चौथाई भाग है। दूसरे शब्दों में 360 डिग्री के 1/4 भाग अर्थात 90 डिग्री माप है। अब देखिए ये जैसे है इसी की बात कर रहा है, ये 90 डिग्री एक माप हो गया, एक माप 90 डिग्री इसी की बात कर रहा है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। ये पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश भी हैं जिन्हें विशेष नाम दिए जाते हैं। जो यह पृथ्वी है इसकी सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, यह विषुवत रेखा। उसके बाद सब रेखाएं धीरे धीरे छोटी होती जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अगर कोई गोला है तो ध्रुवों पर चपटा है, तो धीरे धीरे जैसे हम ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे बीच मध्यांतर से तो क्या होगा, उसकी लंबाई क्रमशः घटती चली जाएगी। वही बात बता रहा है। महत्वपूर्ण अक्षांश के नाम और स्थिति। कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे कहते हैं, जो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर होता है। देखिए यह हम लाइन ये विषुवत रेखा कह दिए इसको, 0 डिग्री को, ये उत्तर हो गया ये दक्षिण हो गया। तो कर्क रेखा किसे कहेंगे, जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ गया उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री नीचे आया विषुवत वृत्त के, उसे हम मकर रेखा कहेंगे। आर्कटिक वृत्त विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये 66.5 डिग्री होगा, इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री नीचे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये रही बात अक्षांशों से जुड़ी हुई। ताप कटिबंध निम्न प्रकार हैं। ताप कटिबंध, पहले हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसके बाद मैप में समझ लेते हैं। उष्ण कटिबंध, कर्क से मकर रेखा के मध्य का भाग 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक के भाग में मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है। बात समझिए, यह जो हिस्सा है इसमें 23.5 डिग्री वाला इस हिस्से की बात कर रहा है, यह हिस्सा उसको हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। अर्थात विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य का जो हिस्सा होता है उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इस हिस्से पर वर्ष भर में कभी ना कभी एक बार सिर के ऊपर सूर्य होता है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के मध्य,
का भाग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त के मध्य का भाग दक्षिणी शीतोष्ण कहलाता है। फिर इसकी बात कर रहा है, ये 23.5 डिग्री से 66 इस हिस्से की बात कर रहा है और फिर 23.5 डिग्री से इस हिस्से की बात कर रहा है। इस हिस्से को क्या नाम दिया गया है, इस हिस्से को क्या नाम दिया गया है, यह विषुवत रेखा है। तो इसको आर्कटिक वृत्त के मध्य भाग को उत्तरी शीतोष्ण उत्तर में है और ये जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी शीतोष्ण कहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मध्याह्न का सूर्य कभी भी ठीक सूर्य के ऊपर नहीं चलता है, साथ ही ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता जाता है। जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्य का जो तापमान का कोण है वो घटता जाएगा, इसलिए ध्रुवों के तरफ क्या होता है, सर्दी पड़ती है, शीत पड़ता है, वहां धूप कम होता है, इसलिए यहां न तो अधिक सर्दी होती है न ही अधिक गर्मी, अतः साधारण तापमान रहता है। तो जो दक्षिणी कटिबंध है या उत्तरी कटिबंध है यहां पे न बहुत ज्यादा गर्मी होती है न बहुत ज्यादा सर्दी होती है, मौसम साधारण रहता है। यह शीत कटिबंध का आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के मध्य भाग बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इन्हें शीत कटिबंध कहा जाता है। देखिए यह फिगर देखिए, यह हमारा सूर्य है, यह पृथ्वी है, यह उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है। बीच वाली जो रेखा है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध से जब हम ऊपर 23.5 डिग्री तक जाएंगे और नीचे 23.5 डिग्री तक जाएंगे, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री तक आएंगे, तो ये वाला जो मौसम रहेगा यह गर्मी वाला मौसम रहेगा। फिर जैसे ही 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 डिग्री तक बढ़ेंगे, वहां भी शीतोष्ण कटिबंध रहेगा, अर्थात मौसम न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। लेकिन जब हम उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री से ऊपर आगे बढ़ेंगे, तो वहां के स्थिति को दक्षिणी शीत कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। यहां सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं। आप देखिए जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी, तिरछी पड़ेंगी अर्थात सूर्य अपनी उष्मा उस स्थानों पर बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए वहां पे स्थिति शीत की रहेगी, ठंडे प्रदेश होते हैं, इसलिए वहां पे जो ध्रुवीय बालू पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंध। उष्णकटिबंधीय इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो हिस्सा है इतना, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। उष्णकटिबंधीय ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे शीतोष्ण, मतलब शीत धन उष्ण, शीतोष्ण, शीत भी पड़ेगा मतलब गर्मी का भी मौसम होगा और सर्दी का भी मौसम होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश अर्थात मकर रेखा से के ऊपर 66.5 डिग्री तक और कर्क रेखा के से नीचे 66.5 डिग्री तक, इसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। अब इसके ऊपर हम जब जाएंगे शीत कटिबंध की बात करेंगे, मतलब यहां पे सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहां पर बहुत ही ठंड वाला मौसम होता है। लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, क्या नाम 0 डिग्री है, ये इसकी बात कर रहा है। ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान या उत्तर या मध्याह्न रेखा, जिसका मान 90 डिग्री है। यह रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना की जाती है, जिससे किसी भी स्थान का बिल्कुल सही स्थिति प्राप्त किया जाता है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के नाम के साथ पूर्व या पश्चिम अंकित कर दिया जाता है। गोलार्ध, गोलार्ध हमने पढ़ा अभी कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की स्थितियों को हमने जाना, उत्तरी गोलार्ध की स्थितियों को जाना, तो वो अक्षांश रेखाएं होती थी। अब यह जो रेखा है कि
पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में, अर्थात एक जो हिस्सा हो गया वो पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी। यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। तो जो ये प्रधान मध्यान रेखा है जिसको जीरो डिग्री कहा जाता है, यह 180 डिग्री पूरब की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ चलती है, इसी की बात कह रहा है। सूर्य की छाया मध्यान में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। सूर्य की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी होती है। प्रश्न पूछता है कि सूर्य की जो छाया होती है सबसे छोटी कब होती है, तो मध्यान में मतलब दोपहर में, और कब सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य की जो छाया होती है वो सबसे लंबी होती है, यही बात कह रहा है। अक्षांश, वृत्त और देशांतर रेखाओं का जाल। अक्षांश वृत्त को आपने समझा, ये वृत्त को अक्षांश वृत्त, और देशांतर को आपने समझा, ये मध्यान रेखा से ऐसे ऐसे जो रेखाएं इसको देशांतर। समय के अंतर की दर की गणना करने के लिए निम्न तरीका अपनाया जाता है। जो पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी की घूर्णन गति कैसी होती है पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी जो ये है यह कैसे घूमेगी पश्चिम से पूर्व, ऐसे 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 पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी की प्रति घंटा घूर्णन गति है 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा घूमती है, अर्थात एक डिग्री की दूरी तय करने में यह 4 मिनट का समय लेती है। तभी हम एक घंटा समय होगा, अर्थात ग्रीनविच के पूर्व 15 डिग्री देशांतर पर 15 × 4 एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए ग्रीनविच के पूरब में 15 डिग्री देशांतर पर बढ़ेंगे तो समय का अंतर ग्रीनविच के पश्चिम में एक घंटे का अंतर आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर दिन का 1 बजा होगा तो ग्रीनविच के पश्चिम में 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा पीछे होगा, अर्थात वहां पर 11 बजा होगा। देखिए ये जैसे है, यहां पे मान लीजिए कि यह 15 डिग्री है, यहां 15 डिग्री है, तो यहां 1 बज रहा है तो यहां 11 बज रहा होगा, क्योंकि यहां आएगा तो 12 बजेगा फिर यहां 11 बजेगा। अब जब किसी पर सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता, अर्थात जब सबसे छोटी छाया बने तब दिन के 12 बजते हैं। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊपर रहेगा तो उसकी छाया कैसी बनेगी, सबसे छोटी, तो समझ लीजिए कि 12 बजा है। इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं, अतः एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक सा ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक देशांतर रेखा पर एक ही स्थिति अवस्थित है, एक देशांतर रेखा पर स्थित विश्व के सभी देशों में वही समय होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ही देशांतर पर ए बी सी तीन देश अवस्थित है तो तीनों देश में जब 12 बजेगा तो तीनों में 12 बजेगा। यही आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय देशांतर रेखा हो कि स्थानीय समय को ही सारे देश का मानक समय माना जाए। एक केंद्रीय देशांतर जो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, भारत में 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को यहां की मानक रेखा माना जाता है, और इस देशांतर रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय अर्थात भारत का मानक समय कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं, पूरी पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर आते हैं। 24 × 15 360 डिग्री होता है, प्रत्येक क्षेत्र के बीच के समय में 1 घंटे का अंतर को दर्शाता है। अक्षांश किसे कहते हैं, किसी स्थान की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। देशांतर किसे कहते हैं, किसी स्थान की प्रधान मध्यान रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। स्थानीय समय क्या होता है, किसी स्थान के मध्यान सूर्य से निर्धारित किया गया समय। और मानक समय क्या होता है, किसी देश का मानक मध्यान रेखा पर स्थानीय समय। ये रही अक्षांश एवं देशांतर से जुड़ी हुई बातें। अक्षांश क्यों आवश्यक हैं, देशांतर ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, यह ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर यह फिक्स है।
समय की गणना के लिए, स्थितियों को जानने के लिए, अवस्थिति को जानने के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, जलवायु परिवर्तन देखने के लिए, कहां पे कब गर्मी होगी, कहां पे कब शीत होगा, कहां पे कब बरसात होगी, इन सब चीजों को देखने के लिए और उसके अनुसार अपने देश की स्थिति को बनाने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए, विकास की परिधि को नियंत्रित करने के लिए, इन सारी काल्पनिक रेखाओं को विश्व पटल पर मान्यता प्रदान की गई है और उसी के अनुसार हम इस पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, अर्थात देश के, अपने अपने देश के भौगोलिक स्थितियों को जानते हैं। कहां पे सघन वन होंगे, कहां पे ध्रुवीय बालू पाए जाएंगे, कहां पे स्थितियां नॉर्मल होंगी, अर्थात न तो ज्यादा गर्मी होगा न तो ज्यादा सर्दी होगी। हमने आज इस कक्षा में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। देशांतर, एक डिग्री देशांतर का मान कितने मिनट के बराबर होता है, एक दिन में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है, अक्षांश रेखा पृथ्वी को किन भागों में बांटती है, देशांतर रेखाएं पृथ्वी को किन भागों में बांटती है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तमाम बिंदुओं पर हमने बात की। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।